हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी हो चुकी है। दोनों ने 7 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अब शादी रचा ली है और दोनों ही टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सोनाक्षी जहीर अलग अलग धर्म से हैं। ऐसे में ना उन्होंने निकाह किया और ना ही फेरे लिए, बल्कि सादगी से रजिस्टर मैरिज की और फिर रिसेप्शन पार्टी रखी। लेकिन अलग धर्म में शादी करने पर सोनाक्षी और जहीर को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोलिंग की वजह से दोनों को अपने वेडिंग पोस्ट का कमेंट सेक्शन तक बंद करना पड़ गया। लेकिन बात तब हद से ज़्यादा बढ़ गई जब इंटरफेथ मैरिज करने पर सोनाक्षी और जहीर के खिलाफ बिहार के गांव में प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए। रिपोर्ट के मुताबिक सोनाक्षी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हिंदू शिव भवानी सेना नाम के एक संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। जहीर संग शादी पर बेटी सोनाक्षी की हो रही ट्रोलिंग पर अब शत्रुघ्न सिन्हा ने चुप्पी तोड़ी और हेटर्स को करारा जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आनंद बख्शी साहब ने इस तरह के प्रोफेशनल प्रोटेस्ट के बारे में लिखा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसमें आगे जोड़ना चाहता हूँ कि कहने वाले अगर बेकार बेकाम काज के हो तो कहना ही उनका काम बन जाता है। मेरी बेटी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ हो। सोनाक्षी जहीर की शादी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा, शादी दो लोगों के बीच एक बहुत ही पर्सनल फैसला है, इसमें किसी को भी दखल अंदाजी या फिर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दें, लाइफ में कुछ अच्छा करो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा ने खुशी खुशी बेटी की शादी की है। इस वीडियो में इतना ही।